तो वही शुरुआत से लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इनका इस पारदर्शिता जो है, इस पारदर्शिता को हम समझ लेंगे क्या है। तो सबसे पहले इसका अर्थ, मीनिंग, आखिर ये पारदर्शिता क्या है। इंग्लिश में इसको ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों, देखिए ट्रांसपेरेंट का नाम सुना ना आप लोगों ने, ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं कि नहीं, उसमें क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं उसमें आप उसकी पार देख सकते हैं कि नहीं, आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं कि नहीं। अगर आपके बीच में कोई पर्दा भी है, मतलब वो पर्दा मतलब वो गिलास है, कांच है, उस कांच के भी आप पार देख पा रहे हैं, वही है ट्रांसपेरेंसी। तो इसी का भी मतलब उसी का तरह से हम समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम भारतीय प्रशासन की बात करें तो भारतीय प्रशासन में पारदर्शिता, इसका मतलब है कि जो भारतीय प्रशासन है उस प्रशासन की संरचना कैसी है, संरचना कैसी है उसकी, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये अगर हमें स्पष्ट रूप से दिखे, प्रशासन का आचरण, व्यवहार, संरचना, प्रक्रिया जनता के सामने स्पष्ट रूप से, जनता तो देखी ना उस चीज को, जनता के सामने क्या हो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त और परिभाषित हो, क्या हो अभिव्यक्त और परिभाषित हो, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये भारतीय प्रशासन में पारदर्शिता है। क्या है, पारदर्शिता है, क्योंकि आपको आर पार दिख रहा है जो अंदर हो रहा है, अंदर चल रहा है, कैसी प्रक्रिया है, कैसी संरचना है, कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है प्रशासन का, वो सब आपको दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, उसके सामने स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, परिभाषित हो रहा है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे भारतीय प्रशासन में ये पारदर्शिता है, नहीं बोलेंगे है? कुछ इसके आधार हो सकते हैं कि हम इन आधारों को देखेंगे, अगर ये चीजें हो रही हैं तो हम कहेंगे कि हाँ वास्तव में इस प्रशासन में या भारतीय प्रशासन में पारदर्शिता है। अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो कहेंगे फिर पारदर्शिता नहीं है, ठीक है, यही चीज ना। तो पारदर्शिता का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप किस चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाए, ठीक है, उसको समझेंगे पहले, पहले अर्थ समझेंगे, फिर आवश्यकता क्यों पड़ी उसको समझेंगे, फिर देखेंगे प्रशासन में पारदर्शिता का विकास कैसे होता है, हुआ। प्रशासन में पारदर्शिता का विकास, देखिए जब प्रशासन में पारदर्शिता के विकास की बात कर रहे होते हैं हम, तो जब आप प्रशासन के अंदर की जानकारी ले रहे होते हैं, प्रशासन की प्रक्रिया के बारे में जान रहे होते हैं, क्या चल रहा है, कैसी संरचना है, कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है, कैसा कंडक्ट है, जिन सबके बारे में जान रहे होते हैं, मतलब आपकी पहुंच वहां तक हो रही है, आपको सूचना ही मिल रही है, आपके पास जानकारी है, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि हाँ ये होता है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यही ना। तो ऐसा अगर हम किसी विभाग के बारे में जानना चाहें, किसी भी हम संगठन के बारे में जानना चाहें, किसी भी संस्था के बारे में जानना चाहें, तो प्रशासन के बारे में जानना चाहें, तो हम किसका सहारा लेते हैं, किसका सहारा लेते हैं, आरटीआई का लेते कि नहीं, आरटीआई का सहारा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो आप सूचना मांगिए कि बताइए आपके विभाग में कोई भी आपका काम हो, इस काम से संबंधित क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं,
कितने समय में सूचनाएं मिलती है, कितने समय में ये काम होता है, कितना पैसा खर्च होता है, सारा जान सकते कि नहीं? सब जान सकते हैं। तो जब आप सारे कुछ जान ले रहे हैं कि अंदर ये सारी चीजें चलती हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पारदर्शिता। उसी को क्या बोलेंगे? पारदर्शिता बोलेंगे। तो अब हम भारतीय प्रशासन में पारदर्शिता के विकास की अगर बात करें तो शुरुआत कहाँ से होगी? आरटीआई से। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे? आरटीआई। हालांकि आरटीआई अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, जब हम पूरा पारदर्शिता को समझ लेंगे उसके बाद उसे आरटीआई अधिनियम पूरा पढ़ेंगे। आरटीआई जानेंगे, फिर आरटीआई अधिनियम के बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जब आरटीआई को पढ़ेंगे तो पहले पारदर्शिता को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड फेज में हम आरटीआई को समझेंगे, क्योंकि अभी उसका मतलब ही नहीं है। वो मतलब आएगा हमारा जब प्रशासन में पारदर्शिता का विकास की हम बात करेंगे। तो अभी सिर्फ क्या समझना है? अर्थ। अर्थ इसका पारदर्शिता का अर्थ जो मैंने अभी बताया है वही लिखना है। ठीक है, प्रशासन की संरचना हो गई, प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार, आचरण के बारे में अगर जनता को स्पष्ट रूप से परिभाषित हो या अभिव्यक्त किया जाए तो हम कहेंगे ये पारदर्शिता है। ठीक है, तब हम कहेंगे पारदर्शिता है। तो थोड़ा सा लिख सकते हैं हम यहाँ, प्रशासन में ये प्रशासन को संरचना, प्रक्रिया, आचरण या व्यवहार, प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, आचरण या व्यवहार, ये आपको जब शासन और प्रशासन पढ़ाया था तो तब मैंने बराबर एक मूल्यांकन करके दोनों को लिखा था। इतना ही नहीं कि ब्रिटिश कालीन कैसा शासन प्रशासन था उसके बारे में भी लिखाया गया था। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद में कैसा है वो भी लिखाया गया था। तो ये तीनों चीजें थी शामिल, इसलिए मैंने बोला था क्लास सेवन की अगर आपने रिविजन नहीं किया तो आप कर लीजिए शासन प्रशासन का, दोबारा दोहराऊंगा नहीं। और साधारण सी बात है, इतना तो पता भी होना चाहिए कि प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, आचरण या व्यवहार को, इन्हीं सबको जनता की सामने स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा अभिव्यक्त किया जाना ही क्या होगा? पारदर्शिता। पारदर्शिता कहलाएगा या कहलाएगा। अब इसकी कुछ स्थितियां देख लेंगे, अगर ये स्थिति होगी तो हम उन स्थितियों को देख के भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भारतीय प्रशासन में पारदर्शिता है। तो उन स्थितियों की बात कर लेंगे। स्थितियां तो बताइए, आप लोग भी बता सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप बता ही सकते हैं, इतना पढ़ लिया।
कि भाई वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनको देख के हम ये कहें कि हाँ प्रशासन में वास्तव में पारदर्शिता है। बताइए, जैसे एक बता देते हैं, सरकारी रूल एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन की बात करें, तो इनकी स्पष्टता होनी चाहिए कि नहीं? इनकी स्पष्टता होनी चाहिए, क्या है, कैसे हैं, ठीक है। तो सरकारी नियम विनियम की स्पष्टता, ठीक है, सरकारी नियम नियमों और विनियमों की स्पष्टता सरकारी नियमों विनियमों की स्पष्टता, ठीक है। और दूसरी कंडीशन सोचिए क्या हो सकता है, सरकारी जो निर्णय है उनमें खुलापन, तो सरकारी निर्णयों में खुलापन, सरकारी निर्णयों में खुलापन, ये नहीं कि चुप चुप के हो रहा है, बंद हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या है। जी, आप किसी काम को कराने के लिए गए, हमने कहा हाँ हो जाएगा, ठीक है, मिल लेना, हो जाएगा। जो मिलने वाला शब्द है ना, मैंने पहले ही बोला, अगर कोई मिलने के लिए बुला रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको कुछ देना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर कोई ये बोला कि आप मिल लेना, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ वहां खो के आओगे, वहां देना पड़ेगा आपको। तो ये जो गुप्त तंत्र है ना, ये जो गोपनीयता वाला मामला, ये नहीं, जनता और प्रशासन के बीच में जो गोपने वाला मामला है ना, तो ये नहीं चीज, ठीक है। किसी चीज के लिए कहीं पर गोपनीयता जरूरी होती है, पर ये तो नहीं कम से कम कि आप निर्णयों में भी, सरकार निर्णय है उनमें भी खुलापन ना रखें। तो अगर खुलापन नहीं होगा तो हम कहेंगे कि पारदर्शिता नहीं है, तो खुलापन भी सरकारी निर्णयों में होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी स्थिति देखें, वो तो है ही सारी, वो तो योजनाएं, हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, योजनाएं हैं, फिर क्या मिल रहा है उनके लाभ? नहीं, क्या सभी को लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो उसके क्या कारण है? उसमें भी अलग अलग कारण है, हम उन कारणों से सिर्फ पारदर्शिता वाले को देख रहे हैं। हाँ, तो वो तो एक वजह है ना, चोर तंत्र है। चोर तंत्र क्यों हुआ? क्योंकि पारदर्शिता नहीं, क्योंकि जवाबदेहिता का अभाव है, ठीक है, इसलिए हम पारदर्शिता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो सरकारी सूचनाएं हैं, उन सरकारी सूचनाओं को सबके सामने स्पष्ट रूप से रखा जाए कि नहीं, कि जैसे आप सरकारी दबाव का लाभ उठा सकते हैं, आप मात्र 1 रुपए में अपना पर्चा भरें और सीधे आप वहां वहां जाएं, और वहां से अगर आपको कोई रिश्वत मांगे, मतलब दलालों से सावधान रहें, ये सारी चीज लिखी होती कि नहीं, आप किसी संपर्क नहीं करें, सीधे वहां जाए, ओपीडी में जाए, जहां भी जो भी उनका केबिन बनाया है कि इस नंबर में जाए, रूम नंबर इतने में जाए, वहां पे आप जाके दवा ले सकते हैं और दवा मुफ्त में मिलती है। जब इस तरह से पूरा लिखा होगा, तो अगर आपसे कोई कहे कि नहीं नहीं भाई 500 रुपया लगेगा इस दवा का, 1000 रुपया लगेगा, तो आप कहोगे नहीं कि देख तेरे चार्टर में लिखा है, स्पष्ट है कि ऐसे ऐसे है, बेवकूफ नहीं समझ, पढ़े लिखे हैं। तो अगर सूचनाओं का, सरकारी सूचनाओं का प्रकटीकरण हो, भले स्पष्ट रूप से दिखती है, तो हम कहेंगे कि पारदर्शिता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, सरकारी सूचनाओं में प्रकटीकरण मतलब प्रकट होने वाला, दिखने वाला, अब बात कर लेते हैं सरकारी कामकाज की। तो बताइए, सरकारी कामकाज, जैसे अभी बताया था कि हाँ भाई हो जाएगा काम मिल लेना, तो सरकारी कामकाज में अगर खुलापन रहेगा तो हम कह सकते कि पारदर्शिता है, कह सकते हैं कि भाई आइए, क्यों नहीं होगा, आइए जी, हमारा काम ही है ये करना।
तो सरकारी कामकाज में खुलापन, सरकारी कामकाज में खुलापन, और ये स्थिति हो सकती है जो आप आगे पढ़ेंगे कि जो जन जांच है तो जन जांच के लिए उपलब्ध है। जन जांच के लिए मतलब उपलब्ध है कि जनता भी जांच कर सकती है, जवाब मांग सकती है, तो वो क्या होगा, आरटीआई। ठीक है, वो आरटीआई तो आप लिख सकते हैं जन जांच के लिए उपलब्धता, अगर ऐसा है तो आप कहेंगे पारदर्शिता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं कि सरकारी नियमों और विनियमों की स्पष्टता होनी चाहिए, सरकारी नियमों का खुलापन होना चाहिए, सरकारी सूचनाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखे क्या है, सरकारी कामकाज में खुलापन होना चाहिए और जन जांच के लिए उपलब्धता भी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम बोलेंगे पारदर्शिता है, हम बोलेंगे पारदर्शिता है। ठीक है, इतना हुआ कि नहीं, चलो ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में, तेजी से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। लिखिए, स्टार्टिंग से लिखते हैं अर्थ से, कि प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया एवं व्यवहार, प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया एवं व्यवहार से जुड़ी सभी बातें, व्यवहार से जुड़ी सभी बातें या आयाम, व्यवहार से जुड़ी सभी बातें या आयाम जब जनता के सामने या समक्ष स्पष्ट रूप से परिभाषित और अभिव्यक्त परिभाषित और अभिव्यक्त किए जाते हैं तो इसे प्रशासनिक पारदर्शिता कहते हैं, तो इसे प्रशासनिक पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब अगली लाइन लिख लेंगे जो आपने स्थितियां लिखी, तो तकनीकी अर्थ में प्रशासनिक पारदर्शिता को उपरोक्त दर्शाई गई स्थितियों से समझा जा सकता है, उपरोक्त दर्शाई गई जो आपने लिखी थी स्थितियां, ठीक है, उनसे समझा जा सकता है। अब नई लाइन से एक नोट करके लिख लेंगे कि कौन क्या समझता है पारदर्शिता के बारे में, कौन किसको किसकी वजह बताता है, वो लिख लेंगे। ठीक है, एक नोट करके नई लाइन से, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार का मूल कारण, भ्रष्टाचार का मूल कारण पारदर्शिता को या पारदर्शिता के अभाव को, मूल कारण पारदर्शिता के अभाव को बताया है, पारदर्शिता के अभाव को बताया है। जबकि विश्व बैंक ने, जबकि विश्व बैंक ने पारदर्शिता और जवाबदेहिता को, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को एक परिभाषा लिखाई थी कि नहीं विश्व बैंक के अनुसार, तो जवाबदेहिता और पारदर्शिता को क्या क्या बनाया था, सुशासन का आधार, ठीक है, पारदर्शिता को, जवाबदेहिता और पारदर्शिता को सुशासन का आधार, सुशासन का आधार बताया है। ठीक है, तो दोनों को आपने देखा, एक ट्रांसपेरेंसी, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की बात कर ली, और दूसरा आपने विश्व बैंक के द्वारा भी इसको समझ लिया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि आवश्यकता क्यों है। इसको साफ कर दें, दूसरा बिंदु है हमारा आवश्यकता क्यों है। तो ऐसे ही पॉइंट वाइज जो है थोड़ा बात करेंगे, फिर लिखाने की जरूरत होगी तो लिखा दिया जाएगा। तो आवश्यकता क्यों है, अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना। ठीक है, एक तो क्या है, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना, दूसरा हम कह सकते हैं जो आरटीआई है, आरटीआई के लाभ, आरटीआई के लाभों को सिद्ध करना। ठीक है भाई, आरटीआई के लाभ जो होंगे वही क्या है, पारदर्शिता, इसलिए जरूरत पड़ी कि चलो आरटीआई के लाभों को सिद्ध किया जाए। ठीक, आगे आप ये कह सकते हैं कि प्रशासन पर जो प्रभावी नियंत्रण है उसके लिए, ठीक है, तो प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी हमें आवश्यकता पड़ी, किसकी, पारदर्शिता की। पारदर्शिता होगी तो आप प्रशासन पे प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं कि नहीं, लगभग किया जा सकता है भाई, कोई भ्रष्टाचार वाला मामला नहीं रहेगा। ठीक है, कोई जानबूझ के भ्रष्टाचार नहीं करेगा, जानबूझ करके कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, क्योंकि जब खुलापन है, सब कुछ दिख रहा है, तो कैसे कैसे होगा फिर ये। तो पारदर्शिता की आवश्यकता एक तो यह है कि प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके, वो दोनों दोनों पे होगा, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका दोनों पर ही। ठीक है, लेजिस्लेटिव, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव दोनों पर। आरटीआई के लाभ से क्या, आप ये बताइए कि आरटीआई के लाभ अगर आपको मिलेंगे तो आरटीआई के लाभ में है कि आप किसी भी विभाग की, आप उसके आचरण, उसकी प्रक्रिया, उसके व्यवहार को जान सकते हैं, और जब ये जान लेंगे तो उससे क्या सिद्ध होगा, पारदर्शिता, तो इसीलिए तो आवश्यकता पड़ी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, दोनों जुड़े हैं, आगे स्पष्ट हो जाएगा, दोनों जुड़े हैं। ठीक है, एक क्या है, भाव निकल के आता है ना कि भाई कैसे विचार होता है कि हमारे पास ऐसी सारी सूचनाएं हो कि इस विभाग के बारे में सारा जान लें। ठीक है, तो आरटीआई तो अभी आप अभी के जमाने से पढ़ेंगे, पारदर्शिता के तो कॉन्सेप्ट पहले से भी आप
सुनते आ रहे हैं। हालांकि दोनों के लाभों को, दोनों के आप अंतर संबंधों को देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण। आगे जन सशक्तिकरण। ठीक है, जन सशक्तिकरण, वही जनता अगर मजबूत होगी, जन सशक्तिकरण होगा तो फायदा है उससे। ठीक है, तो इसलिए भी जरूरत पड़ी पारदर्शिता की, पारदर्शिता से, ताकि क्या हो, जन सशक्तिकरण हो। दूसरा, प्रशासनिक दूरी को घटाना। प्रशासनिक दूरी को घटाना, प्रशासनिक दूरी को घटाना किसके बीच की दूरी, जो जनता की अपेक्षा है, किससे, शासन प्रशासन से। मेन चीज हम प्रशासन की बात करें तो जनता की अपेक्षा जो कि प्रशासन से है, और दूसरा प्रशासन की क्षमता। ठीक है, तो जनता की अपेक्षा और दूसरा प्रशासन की क्षमता, इन दोनों के बीच की दूरी को घटाना, इन दोनों के बीच की दूरी को घटाना। ठीक है, आगे प्रशासनिक सतर्कता। नहीं, प्रशासनिक सतर्कता लाने के लिए हमें जरूरत पड़ी पारदर्शिता की। प्रशासनिक सतर्कता, इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति सतर्क होता है तो फिर वो गलती करेगा। आप सतर्क हैं तो गलती नहीं करेंगे ना, मतलब चांसेस कम हो जाए, बचेंगे उससे। ठीक है, तो जब प्रशासनिक सतर्कता की अगर हम बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि प्रशासन जो है वो गलतियों से बचेगा। ठीक है, गलतियों से बचना, गलतियों से बचना और लापरवाह से क्या बनना, जिम्मेदार बनना। ठीक है, लापरवाह से जिम्मेदार बनना, लापरवाह से जिम्मेदार। देखिए, आप जितने सतर्क हैं, जितने आप सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो आपसे गलतियां भी उतनी कम होंगी। ठीक है, और जब आपसे गलतियां कम होंगी तो इसका मतलब है कि आप जो है एक जिम्मेदार हो। जैसे आपके मम्मी ने भेजा कि जाओ बेटा दुकान पे चले जाओ और दुकान से ये सामान ले आओ, लिस्ट लिस्ट पे आपको बता दी, आपसे बोल भी रही है कि वो लिख लीजिए। अब फीड हो गया, अपन तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब फीड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलते जाइए बस। आप जा रहे हैं राशन की दुकान पे, गए और वहां आपको बस फोन चलाते हुए चैट कर रहे हैं, वहां ही व्हाट्सएप चल रहा है, तो आधी चीजें रही, आधी खोपड़िया से गए। आपको जो जरूरी लाना था बर्तन साफ करने का साबुन, वही भूल गए, बाकी सब अनाप शनाप सारी चीजें ले आए। ऐसा होता कि हो जाता है। ठीक, तो आप क्या रहे, वहां पे सतर्क नहीं थे, सतर्क नहीं तो गलती हो गई है। और गलती हुई, जब घर आए तो मम्मी ने चार बातें सुनाई कि तू लापरवाह है, काम चोर है, निकम्मा है कि नहीं ऐसे। और हो सकता है कि आपने कहा कि कुछ, आप अगर इसमें भी जो है अपनी गलती को नहीं स्वीकार कर रहे तो फिर झाड़ू चप्पल जूते बेलन ये सब चीज चलता है। ठीक है, तो यही चीज है कि अगर आप सतर्क हैं तो फिर गलतियों से भी बचेंगे और दूसरा लापरवाह से आप जिम्मेदार हो जाएंगे। अगर आप सतर्क नहीं है तो फिर गलतियां भी होंगी और फिर लापरवाही भी आपके चरित्र में नजर आएगी, आचरण में दिखेगी। ठीक है, तो प्रशासनिक सतर्कता
को लाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, पारदर्शिता की। ठीक है, आगे देखेंगे क्या भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं होगा, इससे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो पारदर्शिता की आवश्यकता हम इसलिए भी है ताकि हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा सके या नियंत्रण कर सके, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। अब बताइए लाल फीताशाही बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी ना, लाल फीताशाही कम कर सकें, लाल फीताशाही कम कम करना, नेपोटिज्म में कमी आएगी या बढ़ेगा, भाई भतीजावाद कि ये मेरा भाई है, चाचा विधायक है, ये है वो है, इसमें कमी आएगी ना, नहीं आएगी कमी, कमी आएगी तो भाई भतीजावाद कम होगा। भाई भतीजावाद कम होगा या कम करने के लिए, और जब पारदर्शिता ही रहेगी, जनता के सामने स्पष्ट रहेगा, तो ऐसे में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा। कि भाई कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि यार हमारी वजह से हमारी सरकार की बदनामी हो, अधिकारी को स्पष्ट किया देगा कि सर देखिए ज्यादा दबाव ना डालिए, नुकसान हो जाएगा आपका, आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है इसमें, यही तो है भाई, आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, मैं मना भी नहीं करूंगा क्योंकि आपका आदेश है तो मानना पड़ेगा, मगर इससे आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है, और आपका नाम तो आएगा ही फिर, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हमें जनता को जवाब देना है कि आपने ऐसा काम किसके कहने पर किया, हाँ किया उनके कहने पर, तो कोई चाहेगा अपनी बदनामी कराना, कोई सरकार का कोई भी मंत्री अपनी बदनामी नहीं कराएगा, सरकार की बदनामी नहीं कराएगा, तो राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी आएगी कि नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी आएगी। अक्सर आपने ऐसी ऐसे छोटे मोटे मामले तो देखे ही होंगे, घटनाएं, पुलिस ने जो है गाड़ी रोकी, ब्लैक फिल्म लगी हुई है गाड़ी, पूरा डीजे फीजे और उसमें जो है संदिग्ध व्यक्ति है लग रहा है, और गाड़ी में बैठा हुआ तो मतलब धौंस जमा रहा है पुलिस वाले पे कि तू जानता नहीं है ऐसे मंत्री की गाड़ी है, इसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी है, मंत्री को फोन भी कर दिया, अब मंत्री बात कर रहा है औकात में रहो, ये है यहाँ से वहां भेज दूंगा, पता नहीं तुम्हें, तो ठीक है सर आपकी सरकार है, आपका आदेश का पालन होगा, आप कहें तो जैसा आप कहें वैसा हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, मगर सबने दारू पी रखी है और सभी की वीडियो बना ली गई है जनता के द्वारा, और सब लोग कह रहे हैं कि कौन है कौन है, मंत्री जी के विपक्ष में सब लोग खड़े हैं, तो सर बताइए आप, नहीं जैसा आप कहेंगे मैं तो वैसा कर लूंगा, तो मंत्री सोचने में मजबूर हो जाएगा कि नहीं, कि अगर यहां नाम दे दिया ना तो मामला मुश्किल हो जाएगा, आप बताइए कि सब हाईलाइट हो गया मामला, अंदर रहता मामला, छिपी रहती बात तो मैनेज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब नहीं हो पाएगा ना, और आप कहेंगे तो मैं अभी भी कर लूंगा, आपने उसका आदेश भी नहीं डाला, आप बोलिए तो सही सर छोड़ दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ इन लोगों ने बदतमीजी की है और सब लोग हैं, सबने वीडियो बनाई है, आप जैसे बताएंगे तो सर वैसा हो जाएगा, तो फिर कह जाएगा अच्छा फोन दो जरा उसको, फिर कि चाचा हाँ हाँ चाचा किधर, आप मर जाना घर में, समझे नीच हरकते करते हो और नाम बदनाम करते हो, और समझे फिर क्या स्थिति होगी, फिर पुलिस उसका गिरेवान पकड़ेगी, फिर कूदते हुए लेके जाएंगे आराम से, फिर नहीं कहेगा कि चाचा हमारे विधायक हैं, समझे, तो ऐसे मामलों में ये भी आपको आपको भी समझदारी दिखानी है, जब आप भविष्य में लोग प्रशासक बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो आपको भी अपने बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना,
देखिए दो ऐसी कंडीशन सिचुएशन में मामला फंस जाता है, एक तो पब्लिक जनता सब लोग विरोध में है कि हाँ पकड़ो इनको, पकड़ो जेल में डालो जेल में डालो, उधर से फोन दबाव आ रहा है, नेता मंत्री फोन कर रहे हैं, तो आप ऐसे में स्पष्ट रहिए, बीच में रहिए, जनता की भी बात को सुनिए कि हाँ बिल्कुल आप स्पष्ट बात कीजिए कि ये स्थिति है साहब, बताइए मंत्री जी बताइए विधायक जी क्या किया जाए, आपका नाम सामने आ रहा है तो आप समझ रहे हैं चैनलों पे चलेगी अखबारों में आएगी आपकी छवि खराब होगी, ये अच्छा लगेगा कि मंत्री के भतीजे ने मंत्री के ड्राइवर ने मंत्री के परिवार के किसी सदस्य ने महिला के साथ छेड़खानी की बदतमीजी की बीच चौराहे पे उपद्रव मचाया, इस तरह की घटनाएं जब छपेंगी तो सोच के देखिए नाम तो आपका आ रहा ना, तो मंत्री कहेगा यार एक और मारी मेरी तरफ से ताकि आगे ना करें, तो ये समझदारी से काम लेना है। तो पारदर्शिता का मतलब ये भी है कि आवश्यकता से लेनी पड़ती है ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी आ सके, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, जैसे इससे नैतिकता आएगी कि नहीं, सत्यनिष्ठता आएगी, ठीक। तो नैतिकता और सत्यनिष्ठा आएगी, नैतिकता और सत्यनिष्ठा आएगी, तार्किकता आएगी कि नहीं, तार्किकता आएगी, तार्किकता या विवेक सम्मतता आएगी, कर्ण अर्जुन होंगे कि नहीं आएंगे कि नहीं, कर्ण अर्जुन अब मुझे बताइए जो गोपनीय संस्कृति है कि मिल लेना, अरे देख लेंगे छिपके, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, तो जो गोपनीय संस्कृति है उससे बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये जो बातें करनी है यही कर, स्पष्ट बता। जैसे इसकी एक मूवी है मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम क्या है, वही मुन्ना भाई MBBS है पता नहीं कौन सी है, जो इस वक्त मांगी जाती है एक बुजुर्ग से पेंशन के लिए जाते हैं तो उनकी पेंशन नहीं दी जाती है, तो फिर वो संजय दत्त से फोन करता है कि हाँ बताइए ये स्थिति, तो कहना कि आप जाना और जो भी आपके पास होगा आपने चश्मा दे देना उसको उतार के, कपड़े उसको उतार के दे देना, देखिए कि नहीं ऐसे सीन याद आ रहा है कि नहीं, हाँ मुन्ना भाई MBBS है ना, कौन सी लगे ना मुन्ना भाई, अरे जो भी है इनमें से ही, ठीक है। मैं ज्यादा मूवी नहीं देखता तो इतना बस इतना है कि इतना देख लिया, इतना सीन पता है, ध्यान आ रहा है। आप लोग तो मूवी देखते हो कि नहीं, देखिए यहाँ भी मेरे प्रीलिम्स भी देना है ना, मुझे चार विकल्प होते हैं और सही वाला चुनना है, आपने सारे जिंदगी की सारी मूवी गिनवा दी, तो खैर मूवी से मतलब नहीं है, मतलब इतना है कि स्थिति वही है कि आप गोपनीयता ये जो गोपनीय संस्कृति है उससे बाहर आ रहे हैं कि भाई ये ना कहे कि मिल ले, सीधे बोल क्या चाहिए, पैसे चाहिए ना इतने, अरे पैसे चाहिए तो इतने बनाइए, कितने चाहिए सबको पता चले ना, ऐसे अक्सर ये बोल देते हैं ना साहब का हिस्सा है, अरे बड़े ऊपर तक जाएगा पैसा तो हम भी देखिए कहाँ तक जाएगा पैसा, 10,000 चाहिए ना 10,000 तुझको दे रहा हूँ और तू उनको दे देना, जहाँ तक तू भेज रहा भेज दे, पर ये पब्लिक को पता चले ना, सबको पता चले कि 10,000 रुपये इस बाबू ने इस क्लर्क ने लिए हैं, ऐसे अधिकारी ने लिए हैं, अब ये मुख्यमंत्री तक प्रधानमंत्री तक जाएगा पैसा, ऐसा ये कह रहा है तो सोच के देख क्या स्थिति होगी जब हम गोपनीय संस्कृति से बाहर आना शुरू करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं कि आप नहीं कहेगा तुमसे कि मिल लो, ठीक है। तो गोपनीय संस्कृति से बाहर आएंगे, गोपनीय संस्कृति से बाहर आएंगे, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि
दरअसल मनोवृत्ति जो है उसमें परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा। सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा, है नहीं ऐसे? अरे डायलॉग मारने में क्या जा रहा है ये? मनोवृत्ति से या मनोवृत्ति परिवर्तन होगा, ये डायलॉग किसी की जिंदगी अगर बदलने तो क्या बुरा है? ठीक है, उस पर आज तो देखी ना आप लोगों ने, मैं झुकेगा नहीं, झुका दिया पुलिस ने। ठीक है, जब ये मूवी का खूब हुआ तो भाई मैसेज ये भी जाता जनता में, जनता में कि भाई इसका मतलब देखिए पुलिस कुछ नहीं है, कोई भी मवाली गुंडा तस्कर माफिया कुछ भी कर सकता है, पुलिस को झुका सकता है, वो भी मतलब आईपीएस छोटे मोटे तो छोड़िए। तो पुलिस ने कहा ये तो मैसेज गलत जा रहा है। अगले ही दिन अखबारों में न्यूज़ में आप देखोगे धरपकड़ शुरू और सारे पुष्पराज झुके, चंदन की लकड़ी के साथ झुके कि नहीं, सब अखबारों में सब देखा होगा। तो गलत करेंगे तो गलत उसको भरना भी पड़ेगा। ठीक है, तो शासन प्रशासन में जब रहेंगे तो फिर ऐसा नहीं कि अपने मन की चलाएंगे, मन की बात नहीं, बात किसकी होगी? संविधान की, संवैधानिक होगी और वैधानिक होगी। ठीक है, तो संवैधानिक या वैधानिकता की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, संवैधानिक या वैधानिक या संवैधानिकता या वैधानिकता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, संवैधानिकता या वैधानिकता आएगी तो आवश्यकता क्यों है स्पष्ट हो गया? कंफ्यूज तो कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, क्लियर है ना? अर्थ क्या था वो स्पष्ट हो गया, आवश्यकता क्यों पड़ी ये आपने स्पष्ट कर लिया। ठीक है, क्या आप उपकरण के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या वो उपकरण है जिनसे हम पारदर्शिता को ला सकते हैं, प्रशासनिक पारदर्शिता के वो क्या उपकरण है? क्या आपने ये तो बता दिया क्या जरूरत इसलिए है, मतलब बता दिया अर्थ ये है, अभी बताइए कि रास्ते, नहीं रास्ते भी तो होने चाहिए ना, वो रास्ते ही बताऊंगे तो कैसा काम चलेगा, तो साफ कर दें इसको। ठीक है, अब उपकरण देख लेंगे। प्रशासनिक पारदर्शिता के उपकरण, ये आप लोगों ने ब्लैक मार्कर में ना ब्लू इंक डाल दी, ठीक है ब्लू हो गई। तो बताइए उपकरण, आप बताइए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, कैसे हम पारदर्शिता को ला सकते हैं, क्या क्या अपना करके है? आरटीआई, आरटीआई है एक तो, आरटीआई तो आप रखेंगे ही, और क्या? हाँ सीसी रखेंगे कि नहीं, सिटीजन चार्टर, अरे आएंगे उससे भी आएंगे एकदम जन जागरूकता, किसके प्रति जन जागरूकता रख दें वो तो समझना होगा ना पहले, एक सिस्टम से बात कर लेंगे। तो सिटीजन चार्टर, और बताओ और कोई रास्ता, जागरूकता, हाँ हाँ चलो और बताइए, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, अरे बड़े बड़े पूरा का पूरा टॉपिक बताइए, एक एक नहीं, गुड गवर्नेंस, और जब गुड गवर्नेंस की बात करेंगे तो इसमें आएगी कि नहीं जवाबदेहिता आएगी? ठीक है, ई गवर्नेंस, तकनीक चल रही है तो भाई करना पड़ेगा ना यार इतना तो, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा, अगर हम समय के साथ साथ नहीं चलते हैं नहीं बदलते हैं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, समय के साथ साथ आपको बढ़ना पड़ेगा, जमाने के साथ साथ चलना पड़ेगा,
वरना जमाना आपको बहुत पीछे छोड़ जाएगा, ठीक है। और सोशल ऑडिट हो सकता है कि नहीं, सोशल ऑडिट, ग्रीन ऑडिट और जेंडर ऑडिट, सोशल ऑडिट, ग्रीन ऑडिट लिख देते हैं, ग्रीन ऑडिट का हालांकि इतना मतलब है नहीं, लिख देते हैं, ठीक है। ऑडिट और क्या है, जेंडर, जेंडर ऑडिट तो जरूर है। देखो बेटा, ग्रीन ऑडिट से तो नहीं कर सकते हैं, सोशल ऑडिट से इसलिए आएगी, चोर चोर मोशेरे भाई नहीं रहेंगे, लड़की लड़का ऐसा नहीं कि आपने देखा, दरअसल थोड़ा स्वभाव ऐसा होता है कि लड़कियों का दरअसल वो इन सब चीजों से बचती हैं कि बदनामी ना हो जाए। अब सोचो आपने, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा है, पर ऐसा तो है ही कि लड़कियां रिश्वत के मामले में तो थोड़ा भय खाती हैं कि रिश्वत नहीं लेंगे हम। यह लड़की के अंदर संवेदनशीलता पुरुषों से, महिला के अंदर संवेदनशीलता पुरुषों से थोड़ा ज्यादा, देखो ही आ जाएगा बाबा मरा कुतला दबा कुतला के, बहन जी मैं, बहन जी मैडम गरीब आदमी है, हाथ जोड़ लेगा प्लीज हमको हमारा अधिकार दे दीजिए, तो थोड़ा महिला के अंदर संवेदनशीलता उनके प्रति रहती है। और ये कहने से वो अक्सर बचती है कि मिल लेना ठीक है काम हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा तो नहीं कहती ना, लड़के पुरुष ये कह रहे हैं यार बिना मिले काम नहीं होगा। तो इसलिए जो है आप सोशल ऑडिट में मतलब दोनों को शामिल करेंगे, महिला और पुरुष को, जेंडर ऑडिट का ही मतलब वही है। जनता की राय भी तो मांगनी चाहिए ना, सोशल ऑडिट में ये भी तो आएगा कि जनता की बताइए भ्रष्टाचार कैसे कम किया जाए, लोकपाल ला करके आ तो गया हुआ पर जनता की राय भी मांगी जा सकती है ना, तो सोशल ऑडिट का वो भी एक आधार है। तो और बताइए मीडिया क्या करेगी, हाँ यार पता नहीं यार लिखेंगे नहीं, डर लग रहा है बताओ, लेकिन मीडिया को हाँ चलो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आप मीडिया को। आज तो मीडिया आजकल क्या है, मीडिया हर एक की जेब में है कि नहीं, मीडिया सोशल मीडिया हर एक की जेब में है, सर कोई दिक्कत नहीं, आप मीडिया को भी लिख सकते हैं। एक आता है आपने शायद सुना होगा, विसिल ब्लोवर पॉलिसी, सुना क्या है बताओ, सीटी बजाना, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है सही। देखो मतलब ये है कि विसिल ब्लोअर पॉलिसी ये कहती है, इसके तहत ये है कि कोई भी कंपनी या संस्था अपने कर्मचारी को ये स्वतंत्रता देती है कि अगर उसकी संस्था में कंपनी में कोई अवैध या अनैतिक कृत्य हो रहा है तो उसकी सूचना को ऊपर पहुंचाए, देश की सूचना को, ठीक है। तो यही क्या है, विसिल ब्लोअर पॉलिसी है, यही है विसिल ब्लोअर पॉलिसी, उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। भाई आपके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप अगर उस सिस्टम में नहीं है तो आप उसकी सूचना दे सकते हैं, आप उसकी सूचना, अगर गलत काम हो रहा है तो आप उसकी सूचना दे सकते हैं, ठीक है, इसी को बोला जाएगा विसिल ब्लोअर पॉलिसी, ठीक। बाकी आप मीडिया को लिखना चाहते हैं मीडिया भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गए आपकी उपकरण, रास्ते प्रशासनिक पारदर्शिता के उपकरण। तो पूरा पारदर्शिता वाला एकदम कंप्लीट हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आरटीआई पढ़ेंगे ना, अगला था ना हमारा कि प्रशासन में पारदर्शिता का विकास कैसे हुआ, एक बची लाइन ना भाई, अर्थ आवश्यकता क्यों है, रास्ते आपने पढ़ी, अब तीसरा ही पॉइंट बचा था ना, तो अब तीसरे में हम पढ़ेंगे आरटीआई। तो आरटीआई एक विस्तृत डिटेल में रहेगा टॉपिक, तो उसको आज नहीं, उसको कल करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक।